पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में आतंकवादी गतिविधियों से दोनों देश परेशान हैं। पाकिस्तान हुकूमत कितना आतंकवादियों को प्रशय देती है, कितना उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, इसकी जानकारी तो प्रधानमंत्री जी के पास ही हो सकती है, क्योंकि उनके बड़े निकट के संबंध अब बन गए हैं। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान के सेक्युलर फोर्सेस हैं, उनको हमें मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान में जब से तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने, जियाउल हक साहब ने इन लोगों को तरजीह दी, जमात इस्लामी को तरजीह दी, जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को तरजीह दी, तभी से ये जिन जो था ये बोतल से निकल गया और अब उनको वो संभाल नहीं पा रहे। यही हालत हिंदुस्तान की भी हो सकती है अगर मोदी जी ने उनके संगठन के जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले शक्तियां हैं, उन पर अगर नियंत्रण नहीं किया तो वो जिन यहां से निकल तो चुका है अभी, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हिंदुस्तान की भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। केवल झगड़ा बढ़ाने वाले बिंदुओं पर चर्चा करने के बजाय उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि व्यवसाय, उद्योग ज्यादा से ज्यादा बढ़े हम लोगों के बीच में, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। हमारी बॉलीवुड की फिल्म्स बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी गायक हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं। ये एक्सचेंज होना चाहिए, पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन एक्सचेंज होना चाहिए, पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल लोगों के बीच में एक्सचेंज होना चाहिए,